जय हिंद। आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज वन को किस तरह से बनाया जाए। एक्सरसाइज वन जो कि लुसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है। इसका रूल होता है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रूल है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझने का कोशिश करना है। समझना है, फिर भी समझ में नहीं है तो आपको कमेंट करना है, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। और एक बात, इंग्लिश का ये वीडियो जरूर है, आप लोग इंग्लिश जरूर पढ़ें, लेकिन हिंदी का सम्मान करना बिल्कुल नहीं भूलें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश को बस एक लैंग्वेज की तरह यूज करें, ठीक है। हिंदी का सम्मान करें, हिंदी पढ़ने में हिंदी लिखने में बिल्कुल शर्म नहीं कीजिए। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज वन। हो सके तो कॉपी लेकर बैठिए, उसमें जो जो रूल बोलेंगे लिखते चले जाइएगा, क्या इसमें सब में कुछ ना कुछ रूल लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यू ही एंड आई। आपको देखने से लग रहा है यू ही एंड आई नियम कौन सा है, 231 लगा हुआ है, प्लूरल है तो आर हो जाएगा, एम नहीं होगा। अगला देखें, द मिल्क ऑफ दी जार्स, दो नाउन लिखते चलिएगा, दो नाउन ऑफ इन या ऑन से जुटा हो, दो नाउन ऑफ इन या ऑन से जुटा हो तो भर हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाना है, तो द मिल्क के अनुसार इज हो जाएगा। इज क्यों होगा, क्योंकि द मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है, मतलब वो गिना नहीं जा सकता है। अब इसको गिन ही नहीं सकते हैं, क्या एक क्या अनेक, क्या सिंगुलर प्लूरल। देखिए तीन नंबर, द एप्पल्स इन द इन डिस्ट्रिक्ट, दो नाउन ऑफ इन या ऑन से जुटेगा ना सर, तो भर्ब हमेशा भैया पहले वाले के अनुसार लगाइएगा, तो द एप्पल्स के अनुसार क्या हो जाएगा, आर। फोर नंबर देखिए, लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, दो नाउन ऑफ इन या ऑन से जुटा हो, तो भर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाना है, तो द स्टूडेंट्स के अनुसार हो जाएगा आर। लिखते हैं हम लोग फाइव नंबर, द कलर ऑफ दिस शर्ट्स, दो नाउन ऑफ इन या ऑन से जुटा हो, तो भर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाएंगे, द कलर्स के अनुसार इज हो जाएगा। सिक्स नंबर, द वॉइस ऑफ द सिंगर्स, दो नाउन ऑफ इन ऑन से जुटा हो, तो भर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाना है, द वॉइस के अनुसार हो जाएगा इज। सेवन नंबर, हाफ ऑफ द एग, देखिए मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, इस तरह का जब भी सेंटेंस आता है ना, तो हाफ ऑफ के बाद आपको देखना है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएगा, हाफ ऑफ के बाद देखना है प्लूरल है तो ये प्लूरल हो जाएगा। बस मोस्ट ऑफ द फार्मर, देखिए ए लॉट ऑफ आए, लॉट ऑफ आए, मोस्ट ऑफ आए या प्लेंटी ऑफ आए, इसके बाद देखना है आपको ई प्लूरल है तो प्लूरल लगाना है, ई सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाना है। चीजों को समझ पा रहे हैं, फिर से देखिए इसको। सेवन नंबर से हाफ ऑफ एग, एक भैया जो कि सिंगुलर लिखा हुआ है तो इज हो जाएगा, अगला में एग्स जो कि प्लूरल है तो आर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स प्लूरल है फार्मर्स तो आर हो जाएगा, ए लॉट ऑफ कोल जो कि सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, व्हाट वी नीड मोस्ट, मोस्ट के बाद कैसा आ रहा है, बुक्स जो कि प्लूरल है तो मोस्ट आर बुक्स। अगला नंबर समझिए, ट्वेल्व नंबर में क्या रूल है, लिखा हुआ है ट्वेल्व नंबर सर, ईच गर्ल ए डॉल, ठीक है डैश है ईच गर्ल, जिसका हिंदी लिखेगा, अगर वाक्य का शुरुआत में एक हो, जिसका हिंदी मतलब वाक्य शुरुआत में जिसका हिंदी एक हो तो आने वाला भर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगर वाक्य का शुरुआत एक से होता है, इच से हो, एवरी से हो, एवरी वन से हो, वन से हो, जिसका हिंदी एक, आगे गर्ल्स लिखल है, फर्ल्स लिखल है, को लेना देना नहीं है, वाक्य का शुरुआत अगर एक से हो रहा है तो आने वाला भर्ब भी बाबू सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हैज, ठीक है। थर्टीन नंबर को देखिए, लिखा हुआ है टेन प्लस टेन डैश ट्वेंटी, टेन प्लस इकाई है, ऐसा लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, एंड से जुटा हुआ है तो टेन प्लस टेन इज ट्वेंटी, यहाँ इज और आर दोनों से ही हो सकता है लेकिन आपको इज लगाना है। ए चाइल्ड, क्या बोले, जिसका हिंदी एक, सिंगुलर हो जाएगा, भर्ब सिंगुलर है कि नहीं कैसे पता चलेगा, लाइक लाइक में, तो भर्ब में भैया एस या एस लगा हुआ रहेगा, तो जिस भर्ब में एस या एस लगा हो वही सिंगुलर है, और जिसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है अब प्लूरल है, नाउन में जिसमें एस या एस लगा हुआ है वो प्लूरल है और जिसमें नहीं लगा हुआ है सिंगुलर है, ठीक उलट दीजिएगा। ऑक्सेन जो कि प्लूरल है तो इसमें से कौन प्लूरल है बताइए, तो जिसमें एस ए एस नहीं लगा हुआ है वो प्लूरल है।
16 नंबर, कितना क्वेश्चन है, 25 ही होगा, 25। 16 नंबर जाने से पहले हम एक बात आप लोग को बोलना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्या इसके बाद तो इसका जो भी एक्सरसाइज होगा 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा। देखिए, द टाइपिंग ऑफ मैनुस्क्रिप्ट डैश ओवर, अब यहाँ देखिए, द टाइपिंग, दो नाउन ऑफ, इन या ऑन से जुटा हो तो भर्व हमेशा पहले वाले के अनुसार तो इज हो जाएगा, ठीक है। देयर डैश ए ट्रेन, देयर के बाद देखना है, अगर यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाइएगा, देयर के बाद देखिएगा अगर प्लूरल है तो आपको प्लूरल यूज करना है, ठीक है, यही इसका नियम है। देयर के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, देयर के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। डू दीज बॉयज, प्लूरल है भाई तो नो हो जाएगा। डू बार्किंग डॉग्स, प्लूरल है तो वाइट हो जाएगा, भर में ऐसा यस लगा हुआ है तो सिंगुलर, नहीं लगा हुआ है प्लूरल। बोथ ऑफ देम आर, बोथ ऑफ देम आर, दो नाउन ऑफ इन ऑन से भर पहले वाले के अनुसार, बोथ के अनुसार दोनों मतलब आर। मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब रहे तो भर के बाद, ऑफ के बाद जो भी लिखा हुआ उसके अनुसार, स्टूडेंट्स के अनुसार क्या हो जाएगा सर, हैव वन। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जिसका हिंदी होता है एक, जिसका हिंदी क्या होता है एक, तो भर भी ससुरा लगेगा, एक के गो वाला इज। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक, लास्ट नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें कुछ वर्ड हम आपको बताएंगे, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अगर सेंटेंस में आपको ई वर्ड कहीं भी दिखे तो आपको तुरंत समझना है कि सिंगुलर है, काहे कि सब नाउन अनकाउंटेबल है। कौन कौन सा वर्ड है, न्यू, न्यूज, सेंड्री, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, अल्फाबेट, एडवाइस, फर्नीचर, ज्वेलरी, मनी, इक्विपमेंट, परसेंटेज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, न्यू रहे सर, न्यूज रहे, या फिर सेंड्री रहे, SENERY, सेंड्री रहे, इंफॉर्मेशन हो, पोएट्री हो, अल्फाबेट हो, एडवाइस हो, फर्नीचर हो, ज्वेलरी हो, मनी हो, इक्विपमेंट हो, EQUIPMENT, इक्विपमेंट हो, परसेंटेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर ट्रैफिक हो। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ट्रैफिक और परसेंटेज का रहेगा, अगर ट्रैफिक, परसेंटेज और बाकी जितना वर्ड बोले दिखेगा तो वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि ये सब नाउन अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल चीज हमेशा सिंगुलर होता है। ये दोनों में कौन सिंगुलर है, जिस वर्ब में एस ए एस लगा हुआ है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।